जैसे एक मैच को जीतने के लिए बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, हर खिलाड़ी की परफॉर्मेंस जरूरी होती है, वैसे जिंदगी को चलाने के लिए पैसों के साथ साथ कुछ आशीर्वाद की भी आवश्यकता होती है, ऐसा आपको टाइम टू टाइम समझ में आएगा। सुप्रभात दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 5:56 और राइड की शुरुआत करते हैं। और मेरे मन में जो बातें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और जो आप लोगों के सवाल हैं गिब्बे वाले और मेरे स्प्लेंडर को लेकर, तो उसके भी मैं आप लोगों को जवाब दूंगा। तो शुरुआत करते हैं, मैं चल रहा हूं अयोध्या, स्नान करूंगा वहां पर नदी में और ऊपर वाले से आशीर्वाद लूंगा। और पहली बार जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरा हीरो GoPro 7 ब्लैक वो वापस हो चुका है, उसको मैंने सिंगापुर भेज दिया है। और अब ये जो कैमरा जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ ये विकास भाई का है, हीरो GoPro 8, तो इसमें एडाप्टर लग चुका है, तो हो सकता है आपको अच्छा साउंड मिले माइक का। पता नहीं इस समय कैसा आ रहा है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अब चलते हुए बातें करेंगे। तो आप लोगों का सवाल था कि मैं गिव अवे कब करूंगा, और एक सवाल पिछली वीडियो में आया था कि भाई मैं अपने स्प्लेंडर को कब बनाऊंगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि मैं अपनी स्प्लेंडर को कब बनाऊंगा। तो ये सवाल भाई पिछली वीडियो में पूछा गया था, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे मेरी स्प्लेंडर जो है उसको मुझे रिस्टोरेशन करना है, उसको बिल्कुल नई बनानी है, डेंट पेंट करना है, आप समझ लें कि मॉडिफिकेशन करना है। लेकिन मेरे पास जैसे कि एक FZ है जो कि मेरा भाई चलाता है लखनऊ में, एक मेरे पास R15 है, और आप जानते हैं कि मेरे पास कार नहीं है दोस्तों। तो मेरी स्प्लेंडर कभी कभी कार का काम करती है, जैसे कि अगर आप गांव या शहर में रह रहे होंगे, और खास करके अगर आप जैसे गांव में आपका घर होगा तो आप जानते हैं कि वहां पर कहीं आने जाने के लिए, जैसे आपको सब्जी लाना है तो भी बाजार जाना है, दवा भी लानी है तब भी बाजार जाना है, मतलब वहां कोई काम ऐसा तो है नहीं कि आपके बगल में हो जाएगा, तो उससे हम सामान लाते हैं। या अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उसको उसी बाइक पर लेकर जाते हैं, तो उस पर हम किसी को बिठा के बीच में 3 लोग बैठ सकते हैं अगर कोई बीमार हो गया, तो एक प्रकार से वो एम्बुलेंस का काम भी करती है। तो अगर मैं उसको खोल दूंगा उसको बनाने में लगभग 10-15 दिन लग जाएंगे डेंट पेंट या सारी चीजें होने में, तो उस समय मेरे पास इस R15 पर 2 लोग बैठ सकते हैं, और इसपे बहुत ज्यादा इसपे बैठाया नहीं जा सकता है। तो इसलिए पहले हम ये ढूंढ रहे हैं कि कोई बाइक हम खरीद लें 15,000 से 20,000 रुपए तक, कोई सेकेंड हैंड स्प्लेंडर प्लेटिना कोई भी हो जो 100 cc की हो, थोड़ा माइलेज वाइलेज दे, तो उसको खरीद लें तब हम उसको खोलें। इसलिए हम अभी तक उसको नहीं खोल पाए हैं, और जल्दी ही ढूंढ रहे हैं भाई, कोई ना कोई मिल जाएगी। अब आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश भैया यहाँ पर हर सामान बहुत महंगा होता है, मतलब एकदम जो बाइक एकदम कबाड़ होगी ख़त्म होगी उसके भी हाई रेट लगेंगे अगर हीरो की होगी तो ये सारी चीज़ें हैं। इसलिए मैं अपने स्प्लेंडर को नहीं बना रहा हूँ दोस्तों, जल्द ही उसको बनाऊंगा। सबसे पहले उसका इंजन बनाऊंगा, फिर उसके बाद उसके जो भी पार्ट हैं उनको खोल के नया बदल के या फिर उसको कलर करके अच्छी बनाएंगे, जो कि लगेगी कि हाँ किसी ने मेहनत किया है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए हमें। तो ये था पहला सवाल। और अब तो लग रहा भैया बड़ा लंबा जाम लग गया, ऐसा क्या हो गया, कितनी सुबह ये कर क्या रहे हैं ये लो पर्ची काट रहे हैं, देखो ये चूतिया काट रहे हैं समझ लो, ये लो देखा आपने कैसे इन्होंने पैसे पेल दिए ड्राइवर से, ये लो वो देखो सामने भी भैया, ये लो रुकवा के, अरे जब रोड टैक्स दे रहे हैं यार तब किस चीज की जरूरत है। भाई मैं पहुंच चुका हूं नया घाट अयोध्या उत्तर प्रदेश, खुशियों का प्रदेश उत्तर प्रदेश। भाई लग रहा बहुत भीड़ है आज तो।
तो दोस्तों अब मैं पहुंच चुका हूं नया घाट। ये सरयू नदी है, वो नाव आ रही है और अब यहां पर हम दोनों भाई स्नान करेंगे। राहुल इधर दिखाओ ए। तो अब हम लोग यहां पर स्नान करेंगे और आपको बताएंगे कि हम अपना गिब्बे कब करेंगे। पहले नहा लें जिससे झूठ भी ना बोल पाए, और सरयू के पास बोलेंगे तो सब सारी चीजें सच ही बोलेंगे भाई। तो अब हम यहां पर स्नान करने के बाद आप लोगों से मिलते हैं। और ज्यादा देर कैमरा इसलिए ऑन नहीं कर सकते हैं कि बहुत सारी माताएं बहनें यहाँ पर स्नान करती हैं, इसलिए हम कैमरा ज्यादा नहीं चला सकते हैं क्योंकि सबकी इज्जत इज्जत होती भाई। ये नागेश्वर नाथ मंदिर हम आ चुके हैं, अब यहाँ पर जल चढ़ा दें भाई। आज मंडे है, सोमवार है, तो उसके बाद हम कुछ करते हैं आगे। नागेश्वर नाथ में जल चढ़ाने के बाद हम सीधा चल रहे हैं हनुमानगढ़ी। और देखिए यहाँ पर किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, मतलब एक आध दो लोग होंगे भाई जो लगा चुके होंगे, बाकी किसी ने मास्क वास्क नहीं लगाया है। मुझे लगता है कि अयोध्या से कोरोना वापस जा चुका है। ये देखो, देख लो भाई। तो यहाँ पर हुई थी आश्रम मूवी की शूटिंग। ये जो आप देख रहे हैं हवेली महल, यहाँ पर हुई थी आश्रम मूवी की शूटिंग। और अगर आप लोग कमेंट करें तो मैं वीडियो बना सकता हूँ जल्द ही। अब मैं चल रहा हूँ सीधा हनुमानगढ़ी भाई यहाँ से। आप लोग हनुमान लला के दर्शन कर लीजिए हमारे कैमरे के द्वारा, हमारी आंखों के द्वारा आप लोग भी देख लीजिए। बड़ा सौभाग्य होता है जो यहाँ पर आते हैं। हमें दिखाओ, हमें दिखाओ। तो भाई इस समय मैं हनुमानगढ़ी क्षेत्र में हूँ। सरयू स्नान मैंने कर लिया है और नागेश्वर नाथ पर भी मैंने जल चढ़ा दिया है।
तो अब मैं सारी बातें आपको सच बताता हूँ कि मैं अपना गिव बैक कब करूँगा। तो जो आप इस चैनल पर वीडियोस देख रहे हैं मिंटू नाम के हमारे इस नए ब्लॉगिंग चैनल पर, जिस दिन इसकी पहली पेमेंट मिलेगी उस दिन हम अपना पहला गिव बैक करेंगे। अब आप कहोगे कि भाई कब मिलेगी, अभी तक मेरी पहली पेमेंट नहीं मिली है क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोज इस पर नहीं डालता था दोस्तों, और अब रेगुलर होने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरे लगभग अट्ठासी डॉलर इस चैनल पर हो चुके हैं, और $100 जब पैसे हो जाते हैं तब मिलते हैं। तो $100 पूरा होने में $12 मात्र बचे हैं, और अब मैं वो जैसे ही वो मेरे बैंक में आते हैं, अब $100 आएंगे तो लगभग 7000 कुछ आएंगे, तो उसमें से जैसे कि मैं अपनी मम्मी के लिए साड़ी खरीद दूंगा, अगर आप लोग कहेंगे तो अपनी वाइफ के लिए भी खरीद दूंगा, नहीं कहेंगे तो सबका कर दूंगा। मतलब मैं गिव अवे करूंगा, उसकी पहली पेमेंट का ही करूंगा, लेकिन उसमें से लगभग मान चलो कि जो भी आएगा पैसा उसमें से, जैसे मम्मी मम्मी के लिए एक आध जैसे बनता है पहली पेमेंट में ना यार, इतना तो समझा करो कि कुछ खुशी होती है। बाकी मैं गिव अवे करूंगा, जो भी होगा रियल गिव अवे करूंगा, ऐसा नहीं कि टोपी पहना रहे हो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, एकदम रियल और आसान गिव अवे जिससे आप लोग खुश हो सकें। और बहुत ही अच्छा प्लान मैंने किया हुआ है, थोड़ा सा और कर लूँगा उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें बताता हूँ, लेकिन करूँगा ज़रूर। बस आप ये ऊपर वाले से कहो, क्योंकि आप लोगों की भी सुनते हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी सुनते हैं, ऊपर वाले से आप लोग विनती करो, प्रार्थना करो, दुआ करो कि हमारे जल्दी पूरे हो जाएं $100 और मैं कर देता हूँ। भैया हम और ज़्यादा उसमें जैसे घुमा फिरा के नहीं करेंगे, ये करो वो करो तब हम गिव बैक करेंगे, ऐसा कुछ नहीं यार। आप लोग इतने दिन से हमारा साथ दे रहे हो उसके लिए भैया बहुत 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 धन्यवाद। तो ऊपर वाले का आशीर्वाद हमने ले लिया है, बस आपके आशीर्वाद की जरूरत है भैया। हमने आपको सुबह सुबह हनुमानगढ़ी नागेश्वरनाथ हर जगह घुमा दिया, स्नान करवा दिया आपको घर बैठे, और अब राहुल को दे देता हूँ कि राहुल चलाएंगे गाड़ी और यहाँ से, और मैं पीछे बैठता हूँ और यहीं पर वीडियो उसको एंड करता हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कर दो भैया लाइक, और कर दो भैया सब्सक्राइब इस चैनल को, और शेयर भी कर दो भाई। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।